हे गाइस व्हाट्स अप, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? गर्मी का दिन चल रहा है, आपको पता, बहुत तेज धूप है, इसलिए प्रोटेक्शन, दिस इज प्रोटेक्शन। ये खोया पाया इसी के साथ जा रहा है। हम स्कूटी से जा रहे हैं आज लंबी सैर पे, जैसा कि आपको पता है मैं घर आई हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ ब्लॉगिंग करने, स्पेशली कड़ी धूप में मेहनत के साथ। तो वीडियो के एंड में जब तक आप पहुँचो तब तक वीडियो ज़रूर लाइक कर दो, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन से ये वीडियो बन रही है। सो फॉलो मी। ये है पेट्रोल पम्प जहाँ से हम पेट्रोल भरवाएंगे, और मेरा भाई गया है वहाँ पे। यहाँ पे स्कैनर नहीं है, इसलिए अंदर जाके स्कैन करके पेमेंट करेंगे, फिर वहाँ पर्ची मिलेगी, पर्ची लेके आएंगे, इन भाई साहब को दिखाएंगे, फिर ये तेल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे। और ये भाई साहब सोच रहे हैं कि ये मुंह पे बांध बांध के क्यों रिकॉर्ड कर रही है, कहाँ लेके जाएगी वीडियो मेरी बना के, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहा हूँ। लेकिन इसको तो पता ही नहीं, यहाँ पे तो व्लॉगिंग चल रही है गाइस, व्लॉगिंग। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. धूप से प्रोटेक्शन के लिए मैंने फुल अपना फेस वेस तो कवर कर लिया है, कैप लगा ली है, लेकिन आप देख सकते हो कि मैं कैप पकड़ के बैठी हूँ, क्योंकि ये कैप एक बार पीछे उड़ चुकी है और दोबारा फिर से ना उड़ जाए, इसलिए मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ। हाफ डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद हाईवे पे ही ब्रिज के नीचे हमें गन्ने का जूस देखने को मिला। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बॉडी फुल डिहाइड्रेट हो गई थी, हमें सख्त ज़रूरत थी पानी की, लिक्विड की, तो हमने गन्ने का जूस लेना ज़रूरी समझा। ऐसे हमने एक एक ग्लास गन्ने का जूस पिया और आगे अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। गोरखपुर, गोरखपुर जैसे कि आप देख रहे हो मेरी कैब उड़ जा रही है, इसलिए मैं कैब पकड़ के बैठी हूँ। और बहुत कड़ी धूप है, धूप बहुत तेज है, और धूप का कड़ी सामना करते हुए हम जा रहे हैं, धूप का सीना चीरते हुए अपनी फुल स्पीड में स्कूटी से जा रहे हैं गोरखपुर। आगे कहाँ जा रहे हैं ये हम पहुँच के आपको आगे की जानकारी देंगे, तो बने रहिए आज तक हमारे चैनल पे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. ये है नक्षत्र सादा, प्लेनेटोरियम देखने आए हैं हम तारा मंडल में। म्यूजिक वाओ, इधर लिखा है नक्षत्र सादा की ओर इधर जाए, ये है तारा मंडल। यहाँ पे हम ताराओं जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी दुनिया देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो गाइस, हम आए हैं नक्षत्र साला तारा मंडल प्लेनेटोरियम देखने। नक्षत्र जैसे कि हमारे नक्षत्र का खराब चल रहा है, तो हम चेक करने आए हैं कि आखिर नक्षत्र में हमारे लिए कुछ है कि नहीं। नक्षत्र चल कैसे रहे हैं, नक्षत्र में सारे छत्र, जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ टिकट, हमने टिकट तो ले लिया, लेकिन वो बोल ये रहे हैं कि ये है दो टिकट, 25-25 रुपए की टिकट मिली है। पैसा वो बता देते, इतना गरीब है वो बता दो। उस पर लिखा था 25 रुपए, गरीब का टिकट 25 रुपए का लिए, फ्री में थोड़ी ना आए। आए तो काफ़ी लोग देखने के लिए, हमें 3 बजे का शो देखने को मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। 3 बजे बटे तो अभी हम थोड़े धूप की सिकाई करेंगे। जैसे इतने गोरे हैं नहीं जितने दिख रहे हैं गोरे। ये है मेरे फिल्टर का कमाल,
तो ही जैसे कि आप एक तो गोरे हैं नहीं जैसे अगर आप अपने नक्षत्र को टेस्ट करना चाहते हैं तो नक्षत्र साला में गहतारा मंडल जिसमें एंट्री मिलेगी 3 बजे से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नक्षत्र साला के अंदर, नक्षत्र साला के अंदर। इसमें दिखेंगे सारे नक्षत्र जो हाल फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहे। कह रहा है 3 प्रोजेक्टर खराब है, खूब बात नहीं, थोड़ी देर आधे घंटे ऐसी खबर में आराम से लेट नहीं मिले, आधे घंटे सो लेंगे। कोई तरीका है भीख मांगने? अभी हम लोगों को सीट मिल गई है, हम लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए। सभी यात्रीगण अपनी चेयर की सीट बेल्ट बांध के बैठ गए। गाड़ी अभी हमारा एरोप्लेन लैंड करने वाला है। लैंड करेगा या फिर नीचे से प्रोजेक्ट करेगा ऊपर? हैं, अबे नीचे प्रोजेक्टर से ऊपर दिखेगा। 3 बजे से हमारा शो स्टार्ट होगा, उसके पहले ही हमें एंट्री दे दी गई है। हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और अंदर एसी चल रहा है, इसलिए गर्मी और पसीने नहीं हो रहे। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस। नीचे प्रोजेक्टर लगाया गया है जिसकी वजह से ये ऊपर हमें दिखेंगे सारे ग्रह जिसका हम वेट कर रहे हैं देखने के लिए। ओ हो दिख रहा है, दांत में छेद था ही नहीं रहा, रेनबो बना है। जैसे इंडिया में हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे ही 3 ही प्रोजेक्टर में हमको एडजस्ट करके देखना पड़ रहा है। आधा जो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या दिखाना चाह रहा है लेखक। लेखक ये इधर का पूरा आ रहा है और इधर प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है। ओ लाइट्स ऑफ हो गई, वाव कलर दिख रहा है साफ साफ। सुंदर प्राकृतिक चंद्रमा के पीछे से झांक रही सूर्य की अंतिम झांक भी छिप जाता है। दिवस पिपाकॉस उपग्रह ने हमें नए आयाम दिए। आकाशगंगा के 25 लाख से अधिक तारों की दूरियां ज्ञात कर शो के कैसा लगाया? जो शो देखना है तो वो अच्छा नहीं था, लेकिन हम जो शो देखे वो अच्छा था। शो इतनी कड़क धूप में गाइस देखो, ये डेडिकेशन देखो, ये कैमरा लेके फोटो खींच रहा है। कहाँ गया, भग गया वो कैमरा वाला, कहाँ गया, गया फोटो खींच लिया। खड़े हो, खींचे खींचे खींचे। कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा प्लेनेटोरियम में? ऐसे अच्छा चल रहा था, एसी अच्छा लग रहा था, इतना मस्त नींद आई, झट से छोस हो गए। जैसे दरवाजा खुला पट से उठ गए। आधा घंटा सोने का कोई कुर्सी मिलेगी आपको, सिर्फ आधे घंटे सो सकते हैं। 25 मिनट का 25 रुपये, 1 मिनट का 1 रुपये। 3 प्रोजेक्टर खराब था, 3 चल रहा था, इसलिए ग्रह भी पूरे पूरे नहीं दिख रहे थे, ग्रह नक्षत्र भी पूरे नहीं दिख रहे थे, आधे आधे दिखे। जैसा कि यहाँ के टिकट अधिकारी के अनुसार वो बोल रहे हैं कि अगले महीने से 3D में बनवा देगी सरकार, लेकिन अभी हम आए थे इसलिए हमने सोचा जिसमें भी दिखा रहे हैं उसमें भी देख लेते हैं। 25 रुपये का टिकट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, ठीक था, ओके आरामदायक। कुर्सी वैसी थी, चेयर हमें ऐसी मिली थी जैसे आपको एरोप्लेन में बैठने को मिलेगी चेयर, उससे अच्छी ज़्यादा। नीचे का जो कारपेट था वो भी अच्छा था, मुलायम, पैरों को भी आराम मिल रहा था, एसी चल रहा था। सो गाइस ये था आज का हमारा प्लेनेटोरियम का एक्सपीरियंस। चलें घर, धूप बहुत तेज है, मन तो कर रहा आंखें बंद करो और बोलो नारायण नारायण और तुरंत घर पे लैंड कर जाओ।